अगर आप हरियाणवी गाने के शौकीन हैं तो आपने फरीदाबाद के आकाश दीक्षित को एक बार YouTube पे जरूर देखा होगा, सुना होगा और उनके गानों को गुनगुनाया होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूँ आप सभी के साथ दीपिका। मैं बात कर रही थी हरियाणवी गानों की, वही गाने जो आजकल हर किसी की जुबान पर है और जो हर कोई गुनगुनाना चाहता है। उसी के लिए अगर हम बात करें तो न जाने कितने ऐसे सिंगर और कलाकार हैं जिनकी बदौलत आज हरियाणवी कल्चर और हरियाणवी गाने इतने फेमस हो गए हैं। आज इसी वार्ता में हमारे साथ जुड़ेंगे एक ऐसे शख्स जो फरीदाबाद में ही नहीं पूरे हरियाणा में ज़्यादा तारीफ के मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ हैं इस समय पे आकाश दीक्षित। हेलो आकाश। पहचान फरीदाबाद के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आकाश, पहले तो आपका नया गाना भी रिलीज हुआ है और इतने सारे व्यूज आपको मिल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है उस पर? मैम, खुशी होती है जब हमारी मेहनत का फल हमें मिलता है। एक गाने पे काफी टाइम से मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है हमें। तो कितनी टीम इसमें आपके साथ काम करती है? मैम, राइटर्स होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं वीडियो के लिए, प्रोडक्शन हाउस होती है, मॉडल्स होती हैं, सब पूरी मतलब टीम होती है हमारी। मतलब बहुत मेहनत के साथ हरियाणवी गाने यानी कोई भी जो भी प्रोडक्शन होता है उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। आकाश, एक बात बताइए, अभी जो लेटेस्ट गाना है वो कौन सा आया? सभी को एक बार जरा आपने गा के भी सुनाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 21 तारीख को भी गाना रिलीज हुआ था, कुर्ता पजामा ऑन देसी म्यूजिक स्टेशन, जो कि 9X स्टेशन चैनल पे भी, नेशनल टेलीविजन पे भी काफी चल रहा है, ट्रेंडिंग में है गाना। तो कितने व्यूज अब तक मिल चुके हैं उस गाने को? मैं उसको 8 लाख प्लस व्यूज हैं उस पे। अच्छा, अभी मैं तीन चार दिन पहले वो अभी रिलीज हुआ है और उसको इतने सारे व्यूज, मतलब कि पॉपुलरिटी बहुत अच्छी है, लोग फैन बहुत हैं। अच्छा, इतने सारे फैंस के साथ जब लगता है कि यार मैं उनके लिए कुछ नया कर रहा हूँ, कुछ प्रोडक्टिव दे रहा हूँ, तो कैसे मन में फीलिंग आती है? फैन में कुछ सब सपोर्टर है, सब मतलब फैमिली है, सारी फैमिली है। मतलब एक कलाकार की सबसे अच्छी खासियत है कि जो भी उनको देख रहा है सुन रहा है वो फैन नहीं है, वो उनकी फैमिली है। अच्छा आकाश, एक थोड़ा सा लीक से हट के सवाल पूछते हो, यूट्यूबर बनना क्यों चुना? क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है, मतलब हमारे जो जनरेशन है हम इसको मानते हैं, लेकिन हमसे जो पहली जनरेशन है जैसे हमारे माता पिता, वो यूट्यूब वाली दुनिया से थोड़े अनजान है, तो कैसे उनको कन्विंस किया होगा कि मैं यही बनना चाहता हूँ, मुझे सिंगर ही बनना है और मेरे गाने यूट्यूब पर जाके लोग देखेंगे? मेरा यूट्यूब का इतना नहीं था कुछ ज़्यादा, तो पहले मैं कॉलेज में प्रेजिडेंट था NSUI से, अग्रवाल कॉलेज से पास आउट हूँ मैं, तो वहाँ पे मतलब मैं प्रेजिडेंट था, मुझे मतलब स्कूल में कॉलेज में ऐसा ही था, मुझे बस भीड़ से सबसे अलग दिखना है, भीड़ में मिलके मेरे को दिखना ही नहीं था। तो कॉलेज खत्म हो गया, उसके बाद मेरा मतलब पढ़ाई में इतना मन था ही नहीं स्टार्टिंग से ही। तो भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनना चाहता हूँ, ये मुझे आकाश यहाँ पे बता रहे हैं। और पढ़ने पढ़ने में देखो बिल्कुल ध्यान नहीं था। चलो, कोई तो है जो सच बोल रहा है कि मैं पढ़ता ज्यादा अच्छा नहीं था। तो कॉलेज खत्म हो गया, उसके बाद लगा मतलब क्या किया जाए सबसे अलग दिखने के लिए, तो मैंने सोचा वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस से स्टार्ट किया था मैंने। तो स्टार्टिंग जो थी वो कॉमेडी वीडियोस के साथ थे। किस टाइप की वीडियोस बनती थी स्टार्टिंग में? वो कॉमेडी वीडियोस थी, उस टाइम हमारे पास ना कैमरा था, ना कुछ था, ना आइडिया था कुछ भी कैसे क्या बनाया जाए। तो मेरी पहली वीडियो मैंने अपने फ़ोन से ही शूट की, और मैंने फ़ोन से ही मतलब एक कार में बनाई थी, उसमें हमारा था कि जो देसी लोग होते हैं वो मतलब गाड़ियों में शराब वगैरह पीने के बाद क्या उनकी एक्टिविटी होती है, क्या वो करते हैं, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, तो मैंने मतलब फ़ोन से ही वीडियो बना के उसको एडिट किया, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। मेरे मतलब 400-500 व्यूज़ उस पर आ गए, मतलब पहले 400-500 व्यूज से स्टार्ट कर दिया। मतलब बहुत छोटा लगता है कि अरे यार सिर्फ 400 व्यूज है, लेकिन पहली बार के लिए बहुत बड़ा, अरे 400 व्यूज आ गए, मुझे इतने सारे लोगों ने देख लिया। कुछ ऐसा फील हुआ? ऐसा ही हुआ था बिल्कुल। ओके, तो ये कॉमेडी वीडियो से सॉन्ग तक जर्नी कैसी थी, क्या था उसमें, ये कुछ शेयर? उसके बाद यूट्यूब पे मैंने मतलब सोचा कि इस बार थोड़ा अच्छे कैमरे वगैरह से वीडियो शूट करते हैं, तो मेरी पहली थी देसी बॉय गोज टू रेस्टोरेंट विद हिज गर्लफ्रेंड, ये कॉन्सेप्ट था हमारा, वो मैंने कैमरे से शूट किया अपने ही 16 सेक्टर फरीदाबाद में, ओपन एयर रेस्टोरेंट था वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने वीडियो शूट किया, वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, उस पर मेरे 3-4 लाख वो वीडियो वायरल हो गई, उस पर 3-4 लाख व्यू आ गए थे, और मेरे चैनल पे भी 10,000 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए थे।
आकाश आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं? कौन से गांव से हैं? भैंसरावली हम देखोगे तो। भैंसरावली गांव है, तो वहां पर लोग किस वे से देखते हैं कि अरे यार ये तो स्टार है, ऐसे देखते हैं नॉर्मल लोग? जब जब स्टार्ट किया था तो मतलब सब यही था कि क्या कर रहा है, क्या क्या चीज कर रहा है, ये स्टार्टिंग में होता है कि किन चीजों में पढ़ रहा है ये वो। तो फिर मेहनत हमने नहीं छोड़ी, आज वही लोग कहते हैं कि मुझे भी अपनी वीडियो में ले ले। फैमिली का सपोर्ट कितना था? फैमिली का सपोर्ट मतलब फैमिली ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान ले ले, जॉब कर ले, लेकिन जॉब नहीं होती मुझसे। अच्छा, नॉर्मली माँ बाप क्या सोचते हैं कि या तो बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, क्योंकि वेल सेट लाइफ को बिताए, वेल सेट लाइफ को अपने एडजस्ट करे अपने उसमें, तो आपको नहीं फैमिली ने कभी प्रेशर डाला कि अरे यार क्यों ये सब कर रहा है, आगे चल के कुछ क्या होगा तेरा भविष्य, जैसे कि वो 3 इडियट का गाना अब्बा नहीं मानेंगे वाली बात? बिल्कुल, वो सबके साथ ही होता है फैमिली का। मेरी हाइट वगैरह अच्छी थी तो फैमिली चाहती थी मैं आर्मी या फिर पुलिस में ज्वाइन करूं। मैंने ट्राई भी किया था एक बार, लेकिन वही है ना, मतलब जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। Okay. इतने सारे लोगों के, मतलब मैं कह सकती हूँ कि एक तरीके से फरीदाबाद के दिलों की धड़कन है, इतने टैलेंटेड हैं। हमारे साथ में अभी आकाश यहाँ पे। आकाश, कुछ ऐसा मोमेंट आया हो लाइफ में जो बिल्कुल अप से बिल्कुल डाउन पे ले गया हो, जब सोचने में मुझे अरे यार मैंने कुछ गलती कर दी ये सब करके, ऐसा कुछ हुआ है लाइफ में अभी तक? मैम, जब वीडियोज़ मैं बता रहा हूँ कॉमेडी वीडियो से मैंने स्टार्ट किया था, तो जब मेरे व्यूज आने लगे थे, मेरे 50-60 हज़ार सब्सक्राइबरों में वीडियो ऐसे बनाता गया, तो मतलब एक टाइम ऐसा था जो मेरे साथ यार दोस्त वीडियो बनाते थे, सबकी जॉब वगैरह में सब बिजी हो गए, किसी के पास टाइम नहीं था, मैं घर पे खाली पड़ा रहता था, तो मतलब बिना टीम के तो काम अकेला तो मैं सब कुछ कर नहीं सकता था, मुझे एक्ट के लिए भी चाहिए थे बंदे, तो ना ही मुझे मतलब कोई लड़की मिलती थी उस टाइम कोई, मतलब वीडियो में एक्टिंग करने के लिए या फिर कुछ भी। तो एक बार मतलब मेरा ये था कि मैं सब कुछ बंद कर दूंगा। अभी जो कुर्ता पजामा का जो गाना आया है, पहले तो उसे गा के सबको, हमारे व्यूअर्स को एक बार तो गा के सुना ही दो अपनी आवाज में। ये डुएट में वो गाना कैसे गा सकता हूँ? कोई अपनी एक लाइन कुछ भी जो अच्छा लगे कि हाँ मैं ये गा सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कि हाँ। ओ देख कुर्ते पजामे अड़े आने, सेट करा तेरे शहर में ट्रेंड रे, देख ठेठ कती देसी आने डार्लिंग, सेट करा तेरे शहर में ट्रेंड रे। अच्छा, आपका एक और सॉन्ग था जो था मोर बना दूंगा, यूट्यूब पे, उस यूट्यूब नहीं है, टिकटॉकर्स ने उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, इतने सारे उसके बनाए थे ना कि मैं जब कॉमेडी वीडियोस बनाता था मेरा मतलब उसमें इंटरेस्ट था नहीं बिल्कुल, लेकिन मुझे अलग दिखना था, तो मतलब मेरा बचपन से ही था, मैं जब स्कूल कॉलेज में मैं रैप वगैरह सुनाता था मैडम को, मतलब क्लास में किसी को भी, तो सब बच्चे ताली बजाते थे। अच्छा, मेरा रैप का मैं हनी सिंह को अपना गुरु मानता हूँ, जो भी मैंने उनसे सीखा है आज तक उनसे सीखा है, मैंने अपने स्टूडियो में भी उनकी फ़ोटो लगाई हुई है, तो जो भी है मतलब मेरा सारा बचपन से मुझे अपने गाने बनाने हैं, तो मैंने सोचा मतलब हरियाणवी नहीं बनाऊंगा मैं, हिंदी गाने बनाता हूँ। मैंने एक गाना बनाया, मेरे को तब उस चीज़ की इंडस्ट्री के बारे में 1% भी नॉलेज नहीं थी, तो वो गाना मतलब डाला चला नहीं कुछ भी, मतलब ऐसे हुआ। तो मैंने मतलब सोचा नहीं था कि मेरा एक गाना इतनी जल्दी, मेरा मतलब दूसरा गाना ही 50 मिलियन व्यूज यूट्यूब पे हो जाएंगे उसके। आगे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो अभी किन किन टीम के साथ काम कर रहे हो, किन कलाकारों के साथ काम कर रहे हो, इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अभी बॉम्बे की है हमारी पूजा बिस्ट है, वो मतलब मूवीज भी आई हुई है, तो अभी मेरा उनके साथ गाना शूट हुआ है, अभी हमारी पंजाब में गाना शूट किया है बीकानेरी अफीम। हाँ, तो अभी वो गाना भी हमारा मार्च अप्रैल में आएगा, और मेरा अभी रेनू का पवार है सिंगर, उनके साथ भी कॉलेब आ रहा है अभी। मतलब अच्छी खासी चीज़ों के लेकर आगे बढ़ते जा रहे हो। आपके साथ इस वाले कुर्ता पजामा में प्रांजल दहिया ने भी काम किया, प्रांजल दहिया काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है यहाँ की हरियाणा की, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका, कैसा लगा आपको? काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, साथ में वो भी हमारे फरीदाबाद ही रहती है उसे, तो मतलब उनसे भी था कि हमारे फरीदाबाद सही हैं, और काम करने में बहुत अच्छा लगा उनके साथ। दो जाने माने कलाकार फरीदाबाद से रिलेट करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, इस बात से बहुत से लोग अनजान हैं, फरीदाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पे समझ लो कि सब कुछ है, हब होता जा रहा है दिन पे दिन, खास करके कलाकारों के लिए भी हो रहा है। अभी कुछ समय पहले ही खबर आई थी, एक थोड़ी सी वैसी बात करते हैं,
कि फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर भी बने, फिल्म सिटी बनेगी हमारे हरियाणा में, उससे आप लोगों को कितना बेनिफिट मिलेगा, इस बारे में कुछ बता सकते हो कि अगर फिल्म सिटी हरियाणा में बनती है तो जाने के लिए इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा किसी भी कलाकार के लिए, तो एक तरीके से उम्मीद की किरण हो सकती है, तो आपको लगता है ये सब चीज़ें? अभी जो हम कर रहे हैं वो हम जो हमारे गाने हैं तो वो भी हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी तक हरियाणा में चल रहा है उससे अलग थोड़ा बॉलीवुड टेक्सचर के गाने बनाए। तो मेरा कुर्ता पजामा भी थोड़ा इस टाइप का गाना था। तो अगर फिल्म इंडस्ट्री आती है तो हमारे मतलब सभी कलाकार, उसके जो हमारे भाई अभी मुंबई में जा रहे हैं, रहते हैं वहाँ पे अपने, मतलब काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके पास मतलब मुंबई में रहना बहुत मुश्किल है, तो उन्हें वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें अपने ही पे हरियाणा में ही काम मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात होगी। और अभी हरियाणवी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है बॉलीवुड। हाँ, ये वाली बात बिल्कुल सही है कि हरियाणवी इंडस्ट्री इस समय पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो हरियाणा वाले लोगों के लिए बीच में क्या हुआ था कि हरियाणा जब पहले ना कल्चर भी खत्म होता जा रहा था, लोग इसे प्रमोट नहीं कर रहे थे, लेकिन आज के जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसे प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो डांस के थ्रू हो चाहे वो सॉन्ग्स के थ्रू हो, इसमें आप लोगों की भूमिका बहुत ज़्यादा है, तो इसको कैसे फील करते हो कि इसको और कितना आगे बढ़ाना है हरियाणवी कल्चर को या हरियाणवी जो बोली है उसको? हमारी जो माँ बोली है हरियाणवी बोली, इसको हम मतलब पूरा बॉलीवुड तक पहुँचाएंगे। मतलब अभी आ भी रही है हमारे बॉलीवुड में, गाने भी आ रहे हैं हरियाणवी, और जो मतलब मूवीज आ रही है उनमें भी हरियाणवी थीम आ रही है, उनकी बोली मतलब बोली जा रही है और पूरे देश में पसंद की जा रही है हमारी बोली। अभी मैंने मतलब 2 साल पहले ऐसा भी था कि कोई हम बात भी करें कि हरियाणवी गाने बनाते हैं तो हर कोई बोलता था हरियाणवी हम सुनते नहीं है, लेकिन आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है, मतलब देश तो छोड़ो विदेशों में भी हरियाणवी गाने बजते हैं और वहाँ पे खूब पसंद किया जाता है। अभी आपके जब बात करते, अच्छा आगे का क्या मतलब आपको ड्रीम कह सकते हो, ऐसा कौन सा ड्रीम है जिसे पूरे करने की जिद्दोजहद लगी हो, उसको पूरे करने की पूरी कोशिश की जा रही हो कि मेरा ये वाला ड्रीम है? मेरा बस ड्रीम अभी ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ड्रीम ये है बस कि मुझे सबके दिलों पर राज करना है। बिल्कुल, दिलों पे राज करने की मेहनत की जा रही है। बाकी अच्छा, बॉलीवुड में जाने का प्लान है? बॉलीवुड में मैम अपने गाने हमारे अगर कोई सेलेक्ट किए जाते तो बहुत अच्छी बात है, बाकी हम मेहनत करते रहेंगे, अच्छे अच्छे गाने लाते रहेंगे। चलिए एक ना रैपिड फायर क्वेश्चंस लेते हैं आपको, कि आपको आपके बारे में लोग कितना, आप कितना अपने बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, इससे छोटे छोटे वन उससे बताइएगा कि ठीक है। कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो बहुत पसंद है? मुझे प्रियंका चोपड़ा। मतलब प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करने मिलेगा तो पक्का? बिल्कुल, पक्के किया जाएगा वहाँ पे। अच्छा, हरियाणवी सिंगर्स में बताओ तुम्हारा सबसे पसंदीदा कौन है, और ऐसा कौन है जिसे सुनकर लगता हो कि अरे यार इससे अच्छा तो मैं ही गा लेता हूँ? ये तो मैं बिगन वाली लड़ाई वाली बात कर रहा हूं। अच्छा, तो पसंद वाला बता दो। अभी हरियाणवी इंडस्ट्री में सारे अपने भाई हैं जो भी है ना पसंद, गुलजार बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, लास्ट टाइम मूवी कौन सी देखी थी? लास्ट टाइम मूवी मैंने देखी थी, याद नहीं है मेरे को मैंने। अच्छा, फेवरेट मूवी कौन सी है? धड़कन। धड़कन, धड़कन का एक डायलॉग बोल के बता दो, चाहे सुनील सेठी का हो, चाहे अक्षय कुमार का हो, चाहे शिल्पा शेट्टी का हो, लेकिन एक डायलॉग, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये वो हो नहीं मिलूंगा, वो हाई तो किया ही नहीं, कुछ ऐसा ही था। अच्छा ये बताओ, अपने अलावा किसके गाने ज्यादा पसंद है? मैम मैंने अभी बताया था इंटरव्यू में, मैं हनी सिंह को गुरु मानता हूँ बस। अच्छा, जो भी सीखा है उनसे ही। और हरियाणवी सिंगर्स में? गुलजार चान, मतलब हरियाणवी सिंगर्स में मतलब मैं इतना मोटिवेट नहीं हूँ किसी से। अच्छा अच्छा, अपना खुद की जितनी भी प्लेलिस्ट है उसमें खुद का पसंदीदा गाना कौन सा है? अभी रिसेंटली कुर्ता पजामा। अच्छा, रिसेंटली जो गाना, देखो फुल प्रमोशन है, फुल चल रहा है कि वही बहुत अच्छा है। अच्छा, फ़ोन में हमेशा ना एक प्लेलिस्ट होती है हमारे में, तो सबसे टॉप पे गाना कौन सा होता है उसमें आपके में? मोर बना दूंगा। अच्छा, अपने मोर बना दूंगा सबसे। ओके, अभी मैंने जस्ट आपने बता ही दिया है कि कौन एक्टर, अच्छा फेवरेट एक्टर कौन है ये नहीं बताया मुझे अभी तक आपने। फेवरेट एक्टर संजय दत्त। संजय दत्त, मतलब पसंद कुछ और। अच्छा, अब तक कितनी लड़कियाँ प्रपोज कर चुकी हैं? ये तो मैं अच्छा इनको, अच्छा चलो किसी, ये हरियाणवी एक्ट्रेसेस को रेट करते हैं, फर्स्ट सपना चौधरी है, प्रांजल है, अंजलि है, प्रगति है, इन चारों को रेट करना चाहोगे, चाहे एक्टिंग वाइज स्किल्स वाइज कैसे करोगे 1 2 3 करके? अगर उन्होंने इस मेरी वीडियो देख ली तो कहेंगे कि क्या करूँ। अच्छा, फेवरेट कौन सी है हरियाणवी में? प्रांजल अच्छा काम करती है, मतलब एक्टिंग वगैरह आती। प्रांजल फरीदाबाद की है इसलिए प्रांजल। अच्छा,
आकाश अपने बारे में और कुछ ऐसा जो लोग नहीं जानते हैं, जो बताना चाहते हैं, कुछ ऐसा है आपके पास कि हाँ मैं लोगों को, यंगस्टर्स जो हैं, जो आपकी आपकी जो चीज़ें देखकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी लाइन में काम कर रहे हो ना, तो उसको छोड़ो मत। अगर आप उस चीज़ में अगर कामयाब भी नहीं होगे ना, तो वो लाइन आपको एक जगह ऐसी ला के जा खड़ी कर देगी, मतलब कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड आप वहाँ पे मतलब अपना सक्सेस पा सकते हैं। अच्छा, मतलब कि मतलब बहुत से होते हैं कि अपना मतलब बीच में ही, अब मैं ही अगर बीच में सब चीज़ छोड़ देता तो आज ये सब नहीं होता, मैं भी कहीं जॉब कर रहा होता। यहाँ तक कि मैंने एक टाइम ऐसा भी था मतलब कॉलेज में, तो मतलब कॉलेज छोड़ने के बाद घर में सब ने फोर्स किया, तो मैंने एक महीने जॉब भी की थी मैंने। अच्छा, मतलब हर किसी की लाइफ में एक इमोशनल मोमेंट आता है कि वो सोचता है कि यार ये वाला जो मोमेंट है मेरे लिए, खुशी के लिए भी इमोशन हो सकता है और दुख के लिए भी इमोशंस में क्रिएट हो सकता है। तो आपका ऐसा कोई मोमेंट है जो याद हो कभी का? मेरा भी जो मोमेंट है वो 21 तारीख को ही हुआ है, जो मेरा पहली बार मेरा बचपन से ही था कि मतलब टीवी को, जिसको हम चैनल को देखते थे बचपन से, जिस पे अपने गाने सुनते थे, अब अपने ही फेस उस टीवी चैनल पे हमें दिख रहे हैं, ये सबसे बड़ा मूवमेंट था नए सेशन पे, नेशनल टेलीविजन पे जो मैं देखा। तो जल्दी नेक्स्ट वाला जो आपका सॉन्ग आएगा वो कब लॉन्च होगा? अभी फरवरी में, मतलब हमारा बैक टू बैक प्रोजेक्ट है, इस साल कम से कम 20-25 गाने निकाल देंगे हम। बैक टू बैक प्रोजेक्ट है आकाश के, और बैक टू बैक मैं इनको यहाँ पर अपने साथ इंटरव्यूज़ में रखने वाली हूँ, ताकि हम लोग आपको सभी को ये बता सकें कि किस तरीके से आकाश और आकाश की टीम काम करती है। आज की वार्ता में हमारे साथ जुड़े थे आकाश दीक्षित, जो बेसिकली फरीदाबाद से हैं, और ये बता रहे थे कि अगर अपने आपको सक्सेस करना है तो मेहनत की सीढ़ी लगातार आपको चढ़ती रहनी होगी, तभी आप किसी मंजिल तक आगे पहुँच पाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तमाम शहर की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें पहचान फरीदाबाद। नमस्कार।